फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टेक प्रो हिंदी में। और आज मैं आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ मेरे चैनल पे, तो रिगार्डिंग रेडमी नोट 3 एंड ऑल द MIUI डिवाइसेस, ऑल द रेडमी डिवाइसेस रनिंग ऑन MIUI 10। तो एक नया अपडेट हमको जो है मिला था, उसका वीडियो जो है कल मैं पोस्ट कर दिया था, 8.8.16 का वीडियो, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन ये जो है फीचर्स का वीडियो है, क्या क्या फीचर्स एंड बग्स है, ठीक है। वो जो था वो इनिशियल इंप्रेशन और रिव्यू का वीडियो था। तो उसके बाद जो है मैं आपको दिखा दिया हूँ सेटिंग्स में जो है कौन से वर्जन पे मैं रन कर रहा हूँ। लेकिन इस जो है अपडेट जो है मिला है, कुछ अच्छा खास अपडेट नहीं मिला है, सिर्फ जो है सिस्टम स्टेबिलिटी को थोड़ा बढ़ा गया है। और जो है मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा जो है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल अलग फ़ोन में, अलग सारे Xiaomi फ़ोन में जिसमें MIUI 10 8.8.16 में रन कर रहा है, वो अगस्त का सिक्योरिटी पैच लेवल उसमें आ गया है इस अपडेट में। लेकिन जो है रेडमी नोट 3 अभी भी जो है लास्ट मंथ का जो है पैच लेमन में रन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है एंड्रॉयड वर्जन पे अगर हम देखें मार्शमेलो है, लेकिन ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात ये है, अगर आप इसको साइमल्टेनियसली क्लिक करते हैं तो एक सीक्रेट गेम जो था एंड्रॉयड का वो आ जाता था, लेकिन इसमें जो है देख सकते हैं इसमें नहीं आता। ये तो बहुत ही बड़ा बग से मेरे को जो लगता है, जिसकी हम जानते हैं रेडमी नोट 3 एक एंड्रॉयड डिवाइस है, लेकिन फिर भी ये जो है उसमें गेम जो है नहीं आता था, ठीक है। तो उसमें जो है टॉप सीक्रेट का जो है इशू था, वो सारा का सारा सॉल्व हो चुका है। लेकिन जो है मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो है Redmi Note 5 Pro और Redmi Y 2 के लिए जो है ये वाला अपडेट जो है सस्पेंड हो चुका है। अगर आप फ्लैश करने की कोशिश करेंगे Redmi Note 5 Pro या Y 2 में तो आप नहीं कर सकते हैं। और भाई ये जो है मेरे नोट्स में जो है लिखा हुआ है, ये सब फीचर्स एडेड है अलग मोबाइल में, लेकिन कुछ कुछ जो है Redmi Note 3 में भी एडेड है, मैं आपको एक एक से बताऊंगा। तो पहले जो है सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेटेड अलग फ़ोन में है, लेकिन हमारा जो है Redmi Note 3 में नहीं है। उसके बाद जो है एंटरप्राइज मोड, अगर सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में हम जाते हैं तो उधर जो है एंटरप्राइज मोड मिल जाना चाहिए, अलग फ़ोन में जो है इंक्लूडेड है, लेकिन Redmi Note 3 में जो है इंक्लूडेड नहीं है। Redmi Note 3 ही नहीं, मतलब जो है थर्ड बैच हमारा निकला था उसके लिए इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद जो है हम डायरेक्ट जाएंगे हमारे सिक्योरिटी ऐप में, उसमें जो है WhatsApp क्लीनर जो है ये जो है नया फीचर्स ऐड है, ये मैं रिव्यू वीडियो में भी बता दिया था। उसके बाद जो है अलग अलग फीचर्स जो है हमारे स्क्रीन रिकॉर्डर में टाइटल एडेड है अलग फ़ोन में, लेकिन हमारे जो है Redmi Note 3 के लिए नहीं है। और जो है क्विक ऐप्स, ये एक नया फीचर्स आया है हमारे सेटिंग्स में, अगर हम देखने जाए तो क्विक ऐप्स अगर हम सर्च कर देते तो आ जाता है। ये सब था, लेकिन और एक मेरे को प्रॉब्लम आया इस रूम में, जो है मैं अच्छे से स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैं जो नोट्स लिखा था वो मेरे नोट्स पे लिख के उसके बाद मैं फ़ोटो ले लिया था, ठीक है। ये थोड़ा जो है मेजर प्रॉब्लम था, मैं आपको बता दिया हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है इसका बैटरी लाइफ बहुत ही ख़राब है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।